चलो आराम से। ओ शिट, बाइक को लोग ऐसे तार रहे हैं जैसे कि इन लोगों ने कभी बाइक देखा नहीं होगा पहले। यहाँ पे पुलिस का चेकिंग हमेशा रहता है। लगेज डुबो। तो गाइज यहाँ पे फिलहाल हमारा बाइक का सारा काम हो गया है कंप्लीट। क्या तूफान आ रहा है भाई साहब। तो गाइस पीछे हम लोगों ने टॉप बॉक्स लगा लिया है। इसी के साथ गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गाइस अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जावा का शोरूम। यहाँ पे मुझे अभी अपना एक मशीन दिखाना है एंड इसका टायर पे भी कुछ काम है, वो सब भी करवाते हैं। बोलते बोलते पहुंच गए हैं शोरूम। फटाफट से अंदर चलते हैं, जाके काम सारा कम्प्लीट करवा के लाते हैं। यहाँ पे टॉप बॉक्स भी फिट हो गया अच्छा खासा। चलो फिलहाल मैं निकल गया हूँ हमारे रोहन भैया का दुकान से और जा रहा हूँ अभी फिलहाल घर। घर जाके मुझे दो तीन सामान घर पे रखना है। एक्चुअली टॉप बॉक्स के अंदर पुराना बाइक का रैक है और पुराना बाइक का प्लेट भी है, तो उन दोनों को मुझे रखना है घर, क्योंकि वो टॉप बॉक्स में बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा है। तो उन सबको घर रखते हैं, उसके बाद व्लॉग को भी अपलोड करना पड़ेगा। वो सब काम कम्प्लीट करते हैं फिर दोबारा से मैं निकलूंगा। हमारे काम वाम कम्प्लीट करके मैं जाऊंगा सलाम भाई के दुकान पे, वहाँ पे जाके पीछे का जो टॉप बॉक्स है उस पर थोड़ा बहुत ब्रांडिंग का काम करवाना है। चलते आराम से, अभी बहुत टायर्ड भी फील हो रहा है। आज ज्यादा काम भी नहीं करूंगा बिकॉज कल बहुत लॉन्ग जर्नी है। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैं जा रहा हूँ अभी सलाम भाई का दुकान। मैं सोच रहा था कि मैं अभी घर जाके थोड़ा बहुत रेस्ट कर लूंगा, पर सोचा कि सारा काम कम्प्लीट करके घर जाता हूँ ताकि घर पे जाके आराम से रेस्ट कर पाऊँ, टेंशन फ्री होके रेस्ट कर पाऊँ। तो वही ये वाला काम अभी मैं कम्प्लीट कर लेता हूँ। ओ भाई साहब जाम देख रहे हो क्या? यही है दिक्कत यहाँ का, यही है दिक्कत यहाँ का। हमें बस निकलना है यहाँ से, थोड़ा लॉन्ग कट मार के चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। भाई साहब सिलचर में जो जाम लगता है ना भाई साहब, दिमाग खराब हो जाता है। एक जाम से छुटने के लिए भाई 10 मिनट लग गया मुझे। फिलहाल तो यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ सलाम भाई का दुकान। कहाँ है ये, आज भी दुकान नहीं खुला क्या? तो फाइनली गाइज मैं सलाम भाई के दुकान में पहुंच चुका हूँ। यहाँ बाइक हम लोगों ने अंदर डाल दिया है और यहाँ पे सलाम भाई डिजाइन कर रहे हैं हमारा लोगो। क्या हुआ भाई? अच्छा तुम पूछे दो। यहाँ पे सलाम भाई कर रहे हैं हमारा लोगो रेडी। एंड भाई रास्तों पर जो जाम है ना भाई, खतरनाक लेवल का जाम है। एंड ऊपर से व्लॉग करते समय हमें फैन वैन को भी ऑफ करना पड़ता है। कहाँ गया फैन इसका? ये रहा फैन, सब कुछ ऑफ करके करना पड़ता है, नहीं तो बैकग्राउंड नॉइज, यू नो गाइस बैकग्राउंड नॉइज। एंड ऊपर से मैं आपको बता दूं कि ये व्लॉग जब आप देख रहे होंगे तब मैं राइड मार रहा होगा, क्योंकि ये वाला व्लॉग मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को आया होगा और ट्यूसडे को मैं रिटर्न करता हूँ सिलचर और राइड के लिए निकलूंगा कल, दैट इज संडे। ये व्लॉग शूट हो रहा है आज सैटरडे को, तो लाइक एक्साइटमेंट तो आप देख ही सकते हैं मेरे चेहरे पर। गाइस फाइनली केपी व्लॉग सिलचर यहाँ पे आ चुका है। बाइक यहाँ पे पूरा पूरी रेडी है, जस्ट एक ही काम बाकी रह गया बाइक का, वो है इसका टायर का। टायर से थोड़ा बहुत हवा निकल रहा है, वो ऑटोमेटिकली निकल जा रहा है, तो उसका मेन रीजन मुझे मालूम नहीं, वही मैं पता लगाने जाऊंगा। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर लंच वगैरह करने। यहाँ पे है हमारा सलाम भाई, इन्होंने काम पूरा कर दिया कम्प्लीट, थैंक यू ब्रो। और अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फिलहाल तो काम वाम कंप्लीट करके मैं निकल गया हूँ सलाम भाई के दुकान से और ऊपर बारिश का भी मौसम हो रखा है। 20-25 मिनट पहले तो बारिश भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा, और पता नहीं कल का वेदर क्या रहने वाला है क्या नहीं, आशा करते हैं कि अच्छा ही रहे। अभी भाई साहब घर जाके लंच करना है, बहुत ज्यादा भूख लग गया है मुझे। भाई साहब इसका सस्पेंशन सेटअप भाई मानना पड़ेगा, बहुत मस्त सस्पेंशन है, बहुत मस्त सस्पेंशन है। इंस्टेंट पिकअप बॉस, इंस्टेंट पिकअप। लगेज डुबो, लगेज लगेज
तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं। घर पहुंच के लंच वंच कर लिया है। अभी का टाइम हो रहा है लगभग 3:30। लगभग एक घंटे से मैं घर पर ही हूं। लंच वंच हो गया, अभी दोबारा से निकलूंगा जाके अपना टायर का काम करवा के आऊंगा, क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो भी थोड़ा बहुत खराब हो रहा है। रात को अगर खराब हो गया तो और काम करवाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी चलते जाके सारा काम कंप्लीट करते हैं। ओ भाई साहब, वेदर देख रहे हो क्या? पूरा बारिश वाला माहौल होके रखा है। ऊपर बारिश कभी भी आ सकता है। एंड गाइस आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये जो बाइक है ये ऐसा ही अटेंशन सीकर है। लोग इसे घूम घूम के तारते हैं। ऊपर से इसका पीछे आज टॉप बॉक्स लगा दिया मैंने, और तो लाइक बाइक को लोग ऐसे तार रहे हैं जैसे कि इन लोगों ने कभी बाइक देखा नहीं होगा पहले। अभी फिलहाल मैं सिलचर का वर्ल्ड फेमस जाम का बीच में से होते हुए निकल रहा हूँ। मैं एक्चुअली अभी गांधी पार्क के सामने जा रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे टायर पंचर का सबसे अच्छा दुकान है। मेरे पापा भी यहीं से करवाते थे, तो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी यहीं से करवाऊंगा। यहाँ पे पुलिस का चेकिंग हमेशा रहता है, तो थोड़ा बच के चलते हैं। इन लोगों ने पकड़ लिया तो हमारा आधा घंटा ये लोग खा लेगा। बच गए बच गए बच गए, चलो आराम से। ओ शिट, अचानक से स्टार्ट हो गया बॉस। मैंने पीछे टायर टाइट टू हवा बैठी जाए, कोई रखता डबल स्टैंड नहीं है वही वो। तो गाइज यहाँ पे फिलहाल हमारा बाइक का सारा काम हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे मुझे बासुक भाई भी मिल गए हैं। ये एक्चुअली मुझे देख के यहाँ पे अपना गाड़ी से उतर गए है ना। चलो कोई नहीं, अभी बासुक भाई को लेना है 2-3 सामान, उसके लिए जा रहे हैं हम लोग सामने इलोरा मार्केट पे। चलते हैं जाके सामान वगैरह उठाते हैं, चलो बैठ जाओ। तो गाइस 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 क्या तूफान आ रहा है भाई साहब। वैसे तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने इलोरा मार्केट से थोड़ा बहुत छोटे छोटे चीज़ें शॉपिंग कर लिया है। अब ऊपर का मौसम को देखते हुए हम लोग रश कर रहे हैं रूम के तरफ। बासव दा का घर पे जा रहे हैं अभी सबसे पहले, उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाऊँगा घर के लिए। घर जाके मुझे इस वाले व्लॉग का भी एडिटिंग करना है, इस व्लॉग को भी मैं रेडी करके जाऊँगा। ये वाला व्लॉग अपलोड होगा मोस्ट प्रोबेबली ट्यूजडे को, तो उसी हिसाब से आज मुझे सब कुछ मैनेज करके रख के निकलना पड़ेगा कल सुबह 6 बजे को। तो कल हम लोग निकलने 6 बजे। वैसे आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे सारा अपडेट्स देते रहूंगा, आप लोग इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर लेना। बातचीत किए बिना हम लोग डायरेक्टली चलते हैं रूम पर, बिकॉज मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्या करें। और फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं बासव दा का घर पर। अभी यहाँ पे 2-3 सामान पैक करना है हमें, उसे पहुंचाना है कुरियर तक, फिर हम निकल जाएंगे घर के लिए। जाके थोड़ा बहुत काम करना है, वो सब भी करेंगे। और गाइज दिस टॉप बॉक्स इज लुकिंग मस्त, बिकॉज इसमें मेरा स्टिकर आ गया है केपी व्लॉग सिलचर का। तो गाइज सीन्स कुछ ऐसे थे, मैं बासव भैया का घर पहुंच गया था, उसके बाद शुरू हो गया था बारिश बाहर, तो मैं बासव भैया को ऑटो पे उठा दिया, वो ऑटो से चले गए थे कुरियर तक। अभी आप मुझे पूछोगे कि कुरियर पे क्या काम था। एक्चुअली बासव भैया का ट्रांसफर हो गया है शिव सागर, तो वो अपना सामान यहाँ से भेज रहे हैं थ्रू कुरियर, और हम लोग कल निकल रहे हैं आगरतला के। कल सुबह 6 बजे को मैं निकल जाऊंगा, अभी का टाइम हो रहा है लगभग 9:21। वीडियो का एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, जस्ट ये वाला लास्ट वाला पार्ट में शूट करने के लिए नीचे आया हूं। खत्म करने से पहले मैं आपको बाइक का सब कुछ दिखा देना चाहता हूं, बाइक में क्या क्या हम लोगों ने लोड कर दिया है। यहां पे त्रिपुरा एक्सपीडिशन केपी व्लॉग सिलचर बासव दत्ता इंस्टाग्राम का आइडिया आ गया है, वो पीछे हमारा टॉप बॉक्स आ गया है। यहाँ पे एक हम लोगों ने एंटीना टाइप लगा दिया है, इस पे एक्चुअली हम लोग बिठाने वाले गोप्रो, गोप्रो को माउंट पे मैंने ऊपर लगा दिया है, गोप्रो का एक और माउंट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये सब लोडिंग मैंने कर दिया था, अभी फिलहाल मैंने गोप्रो लाया है, ये रहा, ये मैंने एक बार टेस्ट भी कर लिया है, ठीक ठाक सा क्वालिटी आया है इस पे। बाकी तो यहाँ पे त्रिपुरा का मैप के साथ लिखा हुआ है, एंड वी आर गुड टू गो। ये लगा देने से पूरा बाइक रेडी, अभी जस्ट सामान पैक करना है और कल सुबह इस पे लाके सामान डालेंगे, निकल जाएंगे हम राइड के लिए। सुबह हो या रात, मैं कोई भी एक फ्री समय देख के आके इसमें सामान वामान पैक कर लूंगा, बिकॉज मुझे एक्सेस सामान भी लेके जाना नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं लेके जाना है, तो उसी हिसाब से मैं करूँगा। यहाँ पे फिलहाल मेरा लियो, आई एम गोना मिस दिस बीस्ट वेरी मच फॉर 3-4 डेज, दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कोई नहीं, फिलहाल ऊपर चलते जाके एंड करते हैं आज का ये व्लॉग। एंड गाइज मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया था, मैंने ये एक फ्लैग भी लाया है एंटीना पे, मैं लगाने वाला हूँ जिप टाई यूज़ करके, बिकॉज मैं चाहता हूँ फ्लैग भी रहे हमारा बाइक पे, वन नेशन वन राइट। ऊपर चलते गाइज। तो फाइनली गाइज यहाँ पे सारा पैकिंग वगैरह चल रहा है, मैं आ गया ऊपर, एंड यहाँ पे एक बारी मैं सारा सामान को सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, जो जो लेके जाना है जो जो नहीं लेके जाना है, फिर मैं नीचे जाके टॉप बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पे मेरा एडिटिंग का काम भी चल रहा है, अभी का टाइम हो रहा है लगभग 10, एडिटिंग का काम मैं ऑलमोस्ट 11 के अंदर कंप्लीट कर लूंगा, अपलोड वर्कलोड करके शेड्यूल करके रख दूंगा। ये व्लॉग आपको मिल जाएगा मंडे को, एंड व्लॉग मिलते ही इसको कर देना शेयर। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में, दिस इज केतन साइनिंग आउट फ्रॉम केपी व्लॉग सिलचर।